जो तो आज हम पढ़ेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर का, बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फाइनेंशियल अकाउंट। इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, केवल जनरल्स के रूल पढ़ेंगे। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो आपको उनका प्रयोग करना होता है, यूज़ करना होता है। तो केवल हम जनरल के जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, केवल हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ जनरल के नियम। देखो क्या होता है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक होता है हमारा डीआर, एक होता है हमारा सीआर। डीआर को क्या कहते हैं हम? डेबिट। और सीआर को क्या कहते हैं हम? क्रेडिट। आपको केवल इतना याद रखना है कि जो हमारे पास से, मतलब हमारे पास जो कुछ आता है, मतलब चाहे वो पैसे हो या कोई माल हो या कोई फर्नीचर हो या कोई स्टॉक हो, कुछ भी चीज हो जो हमारे पास आती है, वो कहाँ आती है? कहाँ लिखते हैं अपन? डेबिट में। जो कुछ भी आता है, जैसे कि जो कुछ, देखो यहाँ लिखते हैं अपन, जो कुछ आता है, व्हाट कमिंग, कम इन, जो भी हमारे पास आता है, चाहे कोई वो वस्तु हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे पैसे हो, चाहे कैश हो, जो हमारे पास आता है वो हम कहाँ लिखते हैं अपना? डेबिट में। और जो कुछ भी हमारे पास से जाता है, जो कुछ भी हमारे पास से जाता है वो हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में। तो यहाँ लिखेंगे जो कुछ जाता है, चाहे वो पैसे हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे माल हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, जो हमारे पास से जा रही है वो क्या हो रही है? क्रेडिट। जैसे हम कह रहे हैं कि मैंने रमेश को 40,000 रुपए दिए, तो हम इसे क्रेडिट किए, हमने अपने दिए हैं। जो कुछ हमारा जाता है वो कहाँ गया? हमारा क्रेडिट में आएगा। तो इसमें दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। जैसे कहीं से माल आया तो माल हमारा कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट में। माल हमारा कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट में। और अब हम, वो माल हमारा फ्री में तो आएगा नहीं, हम उस माल के बदले में कुछ पैसे भी देंगे। तो जो हम उसको पैसे देंगे वो हमारे कहाँ लिखे जाएंगे? क्रेडिट में। देखो माल आएगा, पैसे जाएंगे, पैसे जाएंगे तभी माल आएगा, कोई फ्री में तो हमें देगा नहीं। तो जो कुछ जाता है ना, वाट गोइंग आउट। तो जो कुछ भी हमारे पास से जाता है वो हम क्रेडिट में लिखेंगे, और जो कुछ भी हमारे पास आता है वो हम डेबिट में लिखेंगे। अगर कोई भी, जैसे हमने किसी से कुछ मंगवाया तो हमारे पास पैसे, तो हमारे पास अगर वस्तु आई तो पैसे जाएंगे, और अगर उसके पास पैसे गए तो हम फ्री में तो पैसे देंगे नहीं। हम क्यों देंगे? या तो कुछ ना कुछ हमें उससे चाहिए होगा, या कुछ ना कुछ, तो जो आएगा वो जाएगा। नेक्स्ट है अपना पाने वाला। डेबिट में कौन आता है? पाने वाला, पाने वाला जो रिसीव करता है, जो रिसीव करता है। जैसे हम कोई भी पैसे भेज दें, और जो रिसीव करता है, वो रिसीव करता होता है, पाने वाला होता है, वो कहाँ आता है? अपना डीआर में, क्रेडिट में, सॉरी डेबिट में। तो जो पाने वाला होता है रिसीव्ड, वो हमारा आता है क्रेडिट में। दूसरा देने वाला, जो हमें देता है, देने वाला कौन हो गया? अपना क्रेडिटर। तो देने वाला कहाँ आता है? अपना क्रेडिट में। तो यहाँ लिखते हैं अपन देने वाला, गिवर। तो जो देने वाला होता है, जो गिवर होता है, वो अपना कहाँ आता है? क्रेडिट में। और पाने वाला, रिसीवर, कहाँ आता है? अपना डेबिट में। तो जो देने, जो पाने वाला, देखो ये हो देने वाला, तो ये देगा तब ये पाएगा, तो ये क्रेडिट में आएगा और ये डेबिट में आएगा। नेक्स्ट है इसमें तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? खर्च हानि। जितना भी खर्चा होता है, एक्सपेंस लेस लॉस, तो जितना भी खर्च होता है वो हम खर्च कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। खर्च कहाँ लिखते हैं हम? डेबिट में। दूसरी ओर लाभ और आय, जितनी भी आय होती है हमारा, और जितनी भी लाभ होती है, लाभ आय, प्रॉफिट
इनकम। तो प्रॉफिट इनकम मतलब लाभ और आय हमारी कहाँ लिखी जाती है? क्रेडिट में। और जितनी भी लॉस खर्चे होते हैं भी कहाँ लिखे जाते हैं? डेबिट में। तो ये है हमारे क्या है रूल, ये क्या है हमारे रूल। क्रेडिट में क्या लगता है? टू, है ना। तो डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल होता है वो समान क्यों होता है, सेम क्यों होता है? क्योंकि जो जाएगा, जैसे हमारे पास से पैसे गए तो माल आएगा, फ्री में ना हम पैसे देंगे और ना वो फ्री में हमें माल देगा। सबसे पहले तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना है। इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको क्या करवाऊंगी, जनरल एंट्रीज बनाना सिखाऊंगी। तो आज के लिए फुल स्टॉप, आप लोग ये नोट कर लेना। इन रूल के आधार पर ही आप, एक रूल डेबिट का लगता है, एक क्रेडिट का लगता है, एक रूल डेबिट का लगता है, एक क्रेडिट का लगता है, ऐसे ऐसे जनरल एंट्रीज बन जाती हैं। क्वेश्चन में सब कुछ दिया होता है, केवल रूल्स का हमें उपयोग करना होता है बस। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए।